डॉक्टर हट्टी छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि आज एक गौरवशाली दिन है तथा जम्मू कश्मीर को भारत में पूर्ण रूप से शामिल किए जाने की श्यामा प्रसाद मुखर्जी समेत हजारों शहीदों की इच्छाओं का सम्मान हुआ है। श्रावण मास का ये तीसरा सोमवार और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और माननीय अमित शाह जी ने जो एक नया इतिहास रचा है, आजादी के बाद इससे बड़ा निर्णय नहीं लिया गया और धारा 370 और 35 ए को समाप्त करने की बात हुई, तब तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को साकार करने का काम हुआ। तो इस ऐतिहासिक फैसले पर पूर्व छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि इसका मैं समर्थन करता हूं, स्वागत करता हूं और इस आजादी के बाद इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला कभी नहीं लिया गया है, लिहाजा वो उस फैसले से खुश हैं। तो कुल मिलाकर पूरे हिंदुस्तान में अब से एक तिरंगा नो एजेंडा ये फिलॉसफी अब हर कहीं नजर आने वाली है। हालांकि मिलीजुली प्रतिक्रियाएं भी लोगों की देखने को मिल रही हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ स्वराजसंवाददाता हेमंत शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। हेमंत, हालांकि रमन सिंह ने प्रतिक्रिया दे दी है, इसके अलावा प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया है, मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं, किस तरीके से हलचल तेज हो गई है धारा 370 के हट जाने के बाद? कोशिश कीजिएगा अगर कांग्रेस की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया आ जाए, अगर नहीं आई है तो इस बात के लिए कोशिश करते रहेगा, लेकिन फिलहाल हम चाहेंगे वहां मौजूद बीजेपी के कार्यकर्ताओं से आप पूछने की कोशिश कीजिए कि जम्मू कश्मीर
पर 370 तो हटी है, लेकिन साथ में लद्दाख को भी अलग कर दिया गया है। इस फैसले से वो कितने खुश नजर आ रहे हैं और इसके कितने फायदे आगे वो देखते हैं। देखिए निश्चित तौर पर प्रस्तावों से जानने की कोशिश करने को कार्यकर्ताओं के लिए किस तरीके से मनाएंगे? देखिए निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं से जानने की कोशिश करेंगे कि आज एक तरीके से देश, एक तरीके से आज कश्मीर अलग हुआ है और 15 अगस्त तक काफी नजदीक है। किस तरीके से 15 घाटी में झंडा तिरंगा फहरेगा, इसकी पूरी देशवासियों को बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रणाम, अमित शाह को प्रणाम, पूरी महिला मोर्चा की ओर से उनको बहुत बहुत सशक्त नमन है। आज हम बहुत खुश है, यह हमारा सौभाग्य है कि हमको अवसर मिला, हमारी सरकार को अवसर मिला है भारतवर्ष कश्मीर में तिरंगा लहराने का। पूरे रायपुर शहर के लोग बहुत प्रसन्न है, देश के लोग बहुत प्रसन्न है, पूरे देशवासियों की ओर से हमारे प्रधानमंत्री मोदी ऐसा उनके लिए उनका नमन सलाम। ऐतिहासिक फैसला यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा लिया गया घुसरा, और जिस तरीके से कार्यकर्ताओं का कहना था कि 15 अगस्त काफी नजदीक है और 15 अगस्त कार्यकर्ताओं में काफी नजर आ रहा है। चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए हेमंत, और इसी के साथ